कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रॉपर्टी वाला लाला जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें लेके आया हूँ। ये आपको काफी प्रॉफिट देने वाला है। वो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो प्रॉपर्टी है ना, हम प्रॉपर्टी के थ्रू आपको प्रॉफिट देना चाहते हैं। प्रॉफिट देने का कई सारे तरीका होते हैं, लेकिन मैं आपको जो प्रॉफिट देना चाह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी के थ्रू है। आज के डेट में अगर आप इसे परचेस करते हो तो कुछ ही दिनों में, डेट मीन्स साल दो साल के अंदर में आप इसका डबल ट्रिपल प्रॉफिट उठा सकते हो। अब वो कैसे, ये तो हमारी कहने वाली बात हो गई, लेकिन ये सच है या नहीं आप इसे तुरंत वेरीफाई कर सकते हो। हम जिस बजट में आपको प्रॉफिट देने वाले हैं, ये पूरे दिल्ली NCR में कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं इस बिजनेस से हूँ तो मुझे पता है कि पूरे दिल्ली NCR में इस रेट का कहीं पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब आप लेने आओगे तो आप खुद इसे वेरीफाई करो कि क्या इस बजट का कहीं पे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। दरअसल मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो साइट है, ये है हमारा पलवल कोर्ट से तकरीबन 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर, 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। अब ये प्रॉफिटेबल कैसे है, तो पलवल कोर्ट से 2.5 किलोमीटर आगे आपका KMP हाईवे है। KMP हाईवे के दाएं और बाएं दोनों तरफ स्मार्ट सिटी बसने वाला है, स्मार्ट सिटी। अब KMP हाईवे में कहाँ बसने वाला है, तो गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान है जिसे आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हो। आपको गूगल सर्च करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना टाइप करना है KMP स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान। KMP का लेंथ है आपका 59 किलोमीटर, 58 या 59 किलोमीटर होगा समथिंग। उसके दोनों तरफ दाएं और बाएं 5 स्मार्ट सिटी बसाना है, Smart City 1, Smart City 2, Smart City 3, Smart City 4, Smart City 5, ये 5 बसाना है। तो फिर मेरा जो साइट है वो कौन से स्मार्ट सिटी के पास है, हम उसे कैसे प्रॉफिटेबल बता रहे हैं, आपको ऐसे कैसे प्रॉफिट होगा। तो इसका यही रीजन है कि स्मार्ट सिटी जो 3 है ये हमारे साइट से मैक्सिमम 50 से 100 मीटर डिस्टेंस पर है, 50 से 100 मीटर डिस्टेंस पर है। और ये स्मार्ट सिटी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, आज के डेट में स्मार्ट सिटी डालने के लिए जितनी भी जमीन है वो सारे के सारे एक्वायर हो चुके हैं। एक्वायरेशन का जो भी पेमेंट है वो किसानों को देना स्टार्ट हो गया हुआ है। इस बिना पे हमने भी वहाँ पे साइट डाला था, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के नहीं, गवर्नमेंट का प्लान देख के नहीं, मैंने देखा कि क्या ये प्लान वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है तभी जाकर मैं वहाँ पे अपना बिजनेस डाला हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई प्लान होता है कि वहाँ से डिस्पैच हो जाता है, वहाँ से उस प्लान को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन जब वर्क में स्टार्ट होता है तो उसे बंद नहीं किया जाता है। इसी बिना पे मैंने वहाँ पे अपना साइट डाला था। अब ये साइट हमारे स्मार्ट सिटी से मैक्सिमम 50 से 100 मीटर डिस्टेंस पर है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों का ख्वाहिश होता है कि वो किसी लग्जरियस इलाके में रहे, ठीक है। जिसका बजट होता है ऑब्वियसली वो तो लग्जरियस इलाके में जाता ही है, जिसका बजट नहीं होता है वो चाहता है कि कम से कम मैं इसके आसपास रहूँ। तो ऑब्वियसली बात है मैं इसके आसपास ही हूँ। स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी कॉलोनी बसने वाली है, स्टार्टिंग में उसका प्राइस मिनिमम होने वाला है 50,000 रुपये स्क्वायर मीटर, क्या 50,000 रुपये स्क्वायर मीटर। और मैं उससे 50 से 100 मीटर डिस्टेंस पर जो बजट में आपको प्लॉट दे रहा हूँ, सुन के आप चौंक जाओगे रियली। वहाँ का जो रेट है मात्र 5,000 रुपये गज। अब आप कहो कि भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ 50,000 कहाँ 5,000, इतना गैप कैसे संभव है। तो भाई साहब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, और इसका मतलब फायदा भी यहाँ पर ये है कि ये स्टार्टिंग टाइम है। आपको भी पता होगा कि किसी चीज़ का स्टार्टिंग टाइम में रेट थोड़ा सा कम होता है। हमारा वहाँ पे जो साइट है वो 17 एकड़ का डील हमारा हुआ पड़ा है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 1.5 से 2 एकड़ जमीन का प्लॉटिंग किया हुआ है। अभी मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट पर बिजनेस कर रहा हूँ, क्या नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट मीन्स जो मेरा घर में पड़ रहा है मैं उसी रेट में उसे बेच रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा नया साइट है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोग इसे जाने जुड़े, और इसके बाद जैसे वहाँ क्राउड बढ़ेगी आगे का जो हम प्रॉपर्टी को फिर से स्टार्ट करेंगे उसमें हम थोड़ा कमाएंगे। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि आगे वाली जो प्रॉपर्टी होगी उसमें 1,500 रुपये रेट बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आज आपको प्रॉफिट मिलने वाला है और इसका फायदा उठाओ। इसका फायदा अगर आज नहीं उठाते हो तो फिर दोबारा आप आओगे। ऑब्वियसली अगर आपको लेना है, वो जगह अगर अच्छी है, आपको समझ में आता है, तो आप लोग ही लोग, लेकिन आज के बदले अगर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद लेते हो तो ऑब्वियसली बात है 500-1,000 रुपये का आपका बढ़ जाएगा, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आप आइए मिलिए, हमारा जो ऑफिस है बदरपुर बॉर्डर पे, राधे कृष्णा डेवलपर के नाम से।
बस आपको कुछ नहीं करना है, बदरपुर टोल के पास आ जाना है, बदरपुर टोल के पास। यहाँ मेट्रो भी आती है, बस भी आती है, आप अपने कन्वीन से भी आ सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपको उस नंबर पे एक बार कॉल कर देना है, मैं खुद वहां से आपको पिक कर लूंगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बदरपुर टोल प्लाजा आपको यहीं पे आना है, वहां से मात्र 50 मीटर डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है। तो आप आइए मिलिए, बाकी की बातें हम अपने ऑफिस में बैठ के करेंगे, आपको साइट दिखाएंगे, वापस यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ये जो विजिट है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए मिलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का प्रॉफिटेबल चीज आपको हमेशा देते रहेंगे। क्योंकि हमारा और साइड भी है, हम उसके बारे में वीडियो बना के आपको देंगे, आपको बताएंगे कि NCR में हम कहाँ कहाँ आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे कंपनी का एक नियम है कि हम जो भी प्रॉपर्टी लाते हैं एकदम फ्रेश क्लीन, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, रजिस्ट्री वाली होती है, ये भी रजिस्ट्री वाली है। तो आइए मिलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक बात मुझे और बताना था आपसे, ये कि मेरा नाम संजीत कुमार है, आप आए कॉल करें और बोले कि मुझे संजीत कुमार से बात करनी है, मैं आपसे बात करूंगा और आपको पिक कर लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।